नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता। टॉप 10 खबरों में स्वागत है। साबरमती एक्सप्रेस की एक दर्जन से ज्यादा बोगियां कानपुर में पटरी से उतर गईं, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर यात्रियों को बाहर निकाला। ड्राइवरों का कहना है कि बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का गार्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आवास पर चल रही राष्ट्रीय महासचिव की बैठक हुई खत्म। उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद और छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद इलाके में तनाव। बीजेपी ने आज 17 अगस्त को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। इस बैठक की अगुवाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बिहार के भागलपुर में शुक्रवार को पुल का एक हिस्सा नदी में गिर गया। यह तीसरी बार है जब यह पुल टूटा है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में डॉक्टरों की 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज यानी शनिवार से शुरू हो गई है। भारतीय चिकित्सा संघ की ओर से इसका आह्वान किया गया है। पेरिस से आज भारत लौटेंगे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने दी जानकारी। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरसी कार्यकर्ताओं में झड़प, एमएलए हरीश राव के इस्तीफे की मांग पर हुआ विवाद। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर रिलीज हुई स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। ग्रैंड ओपनिंग के बाद फिल्म ने दूसरे दिन भी बेहतरीन कलेक्शन किया है। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।